संदोष से मनाली जा रही एचआरटीसी की बस द्रोकड़ा माता मंदिर के पास पहाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इस हादसे में चार लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 वर्षीय बच्ची और उसकी मां भी शामिल है। घायलों को जोनल हॉस्पिटल मंडी में उपचार चल रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त चालक और परिचालक सहित बस में 35 लोग सवार थे। संधोल से मनाली जा रही एचआरटीसी की बस त्रोकटा माता मंदिर के पास पहाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 वर्षीय बच्ची और उसकी मां भी शामिल है। घायलों का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है। हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:15 पर हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त चालक और परिचालक के अलावा बस में 35 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार चालक ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया और बस पहाड़ी से जा टकराई और टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोटली पुलिस चौकी की टीम और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। हमारे पास आज हमें सूचना मिली थी कि एक त्रोकड़ा नाला के पास एचआरटीसी की बस त्रोकड़ा माता मंदिर के पास जो कि साइकिलों के पास है वहाँ सड़क पे पलट गई। उसमें अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 लोग आए हैं, जो उसमें से एक बच्ची जो दीक्षा है वो 2.5 साल की है और इसको शायद हेड इंजरी, मेरी अभी अपने सर्जन से बात हुई, मैंने भी देखा तो उसको हेड इंजरी है और फ्रैक्चर भी है इसको स्कल का, तो शायद इसको हम रेफ़र करेंगे। हमारे सर्जन ऐसा बोल रहे हैं कि इसको रेफ़र किया जाएगा, शायद पीजीआई रेफ़र करेंगे। बाकी हमारे पास 4 जो लोग आए हैं, एक कंडक्टर है मनोज कुमार और एक ममता है, ये 18 साल की है, और एक बीता देवी है, ये 24 साल की है, और एक लेखराज है 25 साल का। तो इन सबको माइनर इंजरी है, किसी को छोटे मोटे फ्रैक्चर हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। एक जो हमें दीक्षा है, जो बेटी 2.5 साल की जो बच्ची है, उसको हम ज़रूर, क्योंकि उसको हेड इंजरी है, हमारे सर्जन्स के मुताबिक उस बिटिया को हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा। हालांकि उसको फर्स्ट एड दी जा चुकी है, उसको अटेंड किया जा चुका है और अब उसको स्टेबलाइज करके हम 160 के माध्यम से जल्दी ही उसको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करेंगे। मिली ये जो 108 के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से कि वहाँ सिर्फ जो इंजर्ड थे वो ये 5 ही लोग हैं, उनको 108 वाले ले आए हैं, हमारी एम्बुलेंस से जितनी भी गई वो ले आई हैं। अभी वहाँ पे कोई नहीं है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिन्होंने हमें बोला ये 5 लोग हमारे पास पहुँच चुके हैं और 5 लोगों का इलाज चला है। हमारी कैजुअलिटी चली, हमारे कैजुअलिटी मेडिकल अफसर, सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन वो सारे उनको देखने में लगे हुए हैं। बाकी भी डॉक्टर्स, पूरी टीम, हमारे स्टाफ नर्सेज की टीम, हमारे क्लास फोर, हमारे हर आदमी उसको उनको देखने में लगा। मैं खुद अपने आप देख के आया वहाँ, तो सारा कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी मंडी पुनीत रघु और एसडीएम सनी शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। एएसपी पुनीत रघु ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच चल रही है और चालक सहित प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आज 12:25 के करीब पुलिस पोस्ट कोटली में एक जानकारी प्राप्त हुई थी, सूचना प्राप्त हुई थी, एक एचआरटीसी की बस जो संधोल से मनाली की तरफ जा रही थी वो कोटली मंडी रोड पर त्रोकड़ा माता के समीप सड़क पर ही पलट गई है। जो सूचना प्राप्त होने के बाद चौकी प्रभारी कोटली, थाना प्रभारी सदर और मैं खुद एसडीएम सदर के साथ मौका की तरफ गया था, मौका पर रवाना हुआ था। वहाँ पर उस बस में जो है लगभग उसमें 33 सवारियाँ थी, जिनमें से एक बच्चा था छोटा, और ड्राइवर और कंडक्टर थे, जिनमें से कुल 6 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से जो 2 लोग थे उनको कोटली भेजा गया था सीएचसी में और जो बाकी 3-4 लोग थे उनको मंडी जोनल हॉस्पिटल में भेजा गया था। अभी एक मोहन लाल जो हैं वहाँ के ग्रामीण हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर एचआरटीसी के जो चालक हैं खुशी राम, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है 279/337 IPC में और आगामी अभियोग में जो आगामी अन्वेषण है।